नमस्कार दोस्तों, तो सेलों का सेल महासेल जिसे हम कहते हैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल, उसका ऑफिशियल डेट कब है मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन आ चुका है। मतलब मैं आपको एक पोस्टर दिखाऊंगा जहां पर नीचे मेंशन है कि ये जो सेल वो कब से शुरू होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में हम एक्चुअली तीन चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक, कब सेल शुरू होगा, दूसरा कौन कौन सा ऑफर और किस टाइप का ऑफर ये सब देखने को मिलेगा, और तीसरा इस सेल के टाइम बहुत ज्यादा रश हमें देखने को मिलता है तो जल्दी से प्रोडक्ट लेने के लिए कौन सा ट्रिक हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी देखिए ये जो फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डे सेल, इसे हम सेलों का सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको चाहे आप आईफोन ले या फिर एंड्रॉयड फोन ले, हर एक फोन में पूरे साल आपको जितना ऑफर मिलता है उससे भी ज्यादा ऑफर, ज्यादा कार्ड डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस सब कुछ इस सेल में आपको देखने को मिलेगा। अभी इसमें आपको इतना भारी डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक भी जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए इसके वजह से वो जो प्रोडक्ट हम दूसरे प्लेटफॉर्म में चेक नहीं कर सकते कि उसमें उस प्रोडक्ट का प्राइस कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा बाई हट के क्रोम एक्सटेंशन। ये आपको एक ही जगह पे अलग अलग शॉपिंग प्लेटफॉर्म का जो प्राइस वो आपको कंपेयर करके दिखाएगा, और इसके साथ आपको इसका जो प्राइस ग्राफ वो भी आपको दिखाएगा। इसे आपको मालूम चलेगा कि उस प्रोडक्ट का जो प्राइस वो पूरे साल कितना ऊपर या फिर नीचे हुआ था। अगर आप चाहते तो अब इसमें आप प्राइस अलर्ट भी सेट कर सकते हैं, तो इसके वजह से वो जो प्रोडक्ट आपको आपके डिजायर्ड प्राइस में मिल जाएगा, और यहाँ आपको ऑटोमेटिक कूपन अप्लाई करने का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इधर आप डील्स ऑफ द डे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका मोबाइल ऐप भी जल्दी आने वाला है और भी बहुत ज्यादा फीचर्स इसमें ऐड होने वाला है। इसे इंस्टॉल करने के लिए इसका जो लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है उधर से आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर गूगल में जाके बाई हट के क्रोम एक्सटेंशन आपको बस सर्च करना है, जो पहला मतलब फर्स्ट लिंक आएगा उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, देन आप इसे बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ऐसे ही आपको बाई हट के क्रोम एक्सटेंशन यूज करके इस सेल में काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कब ए सेल शुरू होने वाला है। अभी देखिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, मैंने आपको बोला था ए सेल इस साल शुरू होगा कॉन्फर्म 27 से लेकर 30 सितंबर के बीच में। अभी आप इस वाले पोस्टर में देख सकते हैं बीच में एक डेट मेंशन है। पहले मैं बोल देता हूँ कि ये जो पोस्टर वो कहाँ का है। देखिए मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक फूड प्रोसेसिंग सर्विस है, मतलब ऑफिशियल गवर्नमेंट का फूड प्रोसेसिंग सर्विस है जिसका नाम है होरिन घाटा मीट, जहाँ पर एक्चुअली ऐसे फेस्टिवल के टाइम या फिर सेल के टाइम जो डिलीवरी वो ठीक ठाक हो सके, मतलब जो ओवरऑल टास्क वो ठीक ठाक हो सके, इसके वजह से अलग अलग जगह से रिक्रूटमेंट करता है। अभी ये जो पोस्टर वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर से मिला है, उसने मुझे ये चीज़ बताया वो जिस कॉलेज में पढ़ता है उसमें जो होरिन घाटा मीट मतलब ये जो कॉर्पोरेशन मतलब जो भी कंपनी है ये उस कॉलेज से हर साल रिक्रूटमेंट करता है, और रिक्रूटमेंट जनरली डिफरेंट जॉब पोजीशन के लिए होता है। तो जैसे ही मैंने कहा बहुत ही जल्द बिग बिलियन डे सेल शुरू होने वाला है, इसका मतलब डिलीवरी का प्रोसेस बहुत फास्ट करना पड़ेगा। और आपको तो मालूम है कि कोलकाता में जो दुर्गा पूजा वो कैसे होता है, दुर्गा पूजा के सेकेंड डे से लेकर ऑलमोस्ट 9th डे तक शाम को 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक इधर टोटली नो एंट्री रहता है। तब 3-व्हीलर या फिर उससे ज्यादा जो भी चीज है मतलब जो भी व्हीकल है वो टोटली नो एंट्री रहता है। तो मतलब समझ सकते कि डिलीवरी करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए इस कंपनी को, तो इसलिए इन लोगों ने एक जॉब फॉर्म जैसा कुछ लॉन्च किया है जिसमें आपको ये जो सेल टाइम या फिर रश टाइम में थोड़ा सा ज्यादा इनकम करने को मिलेगा अगर आप इनके लिए काम करेंगे तो। और जैसे कि मैंने कहा बिग बिलियन डे और जो दुर्गा पूजा वो ऑलमोस्ट पास होता है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को ऑलरेडी मालूम होगा कि जो बिग बिलियन डे मतलब जो मेगा सेल जो होने वाला है एक कब से शुरू होने वाला है। तो इससे हमें ये चीज मालूम चलता है इस साल बिग बिलियन डे कॉन्फर्म शुरू होगा 27 सितंबर, मतलब ये तो एकदम कॉन्फर्म हो चुका है इस पोस्टर के बाद। और अगर हम अमेज़न ग्रेट इंडियन डे सेल के बारे में बात करें, हर साल क्या होता है जिस दिन बिग बिलियन डे सेल शुरू होगा उसके एक दिन बाद अमेज़न ग्रेट इंडियन डे सेल ऑफिशियली शुरू होगा। इस पोस्टर में जो मेंशन डेट 27 सितंबर मतलब फ्लिपकार्ट में जो शुरू होने वाला है 27 सितंबर, तो क्या है नॉर्मल लोगों के लिए होगा या फिर अर्ली एक्सेस होगा ये तो कॉन्फर्म नहीं मिला, लेकिन जितना मुझे लग रहा है नॉर्मल लोगों के लिए 27 सितंबर और अर्ली एक्सेस आपको मिलेगा 26 सितंबर से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक ऑफर के बारे में। अभी देखिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों जगह पे आपको ऑफर मिलेगा, डेबिट कार्ड में आपको थोड़ा सा कम ऑफर मिलेगा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो और भी ज्यादा ऑफर आपको देखने को मिलेगा। अभी कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखिए एक्सिस, ICICI, SBI और HDFC ये चारों बैंक का कार्ड आप लोगों के लिए सेल के दौरान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप गैजेटल चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली गैजेटल चैनल के एक व्यूअर है, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर मेरे तरफ से। तो मेरे पास अभी करेंटली SBI का 2 क्रेडिट कार्ड,
SBI का एक डेबिट कार्ड, HDFC का दो क्रेडिट कार्ड, एक्सिस का रिसेंटली मैंने क्रेडिट कार्ड करवा लिया है, और ICICI नहीं लेकिन Amazon ICICI का मेरे पास कार्ड है। तो इस सेल के दौरान अगर आपको कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट लेना है जिसके ऊपर कार्ड ऑफर यूज करने के बाद अगर कुछ मेगा डिस्काउंट मिल रहा है तो मुझे बोलना, मैं आपको कार्ड ऑफर दिलवा दूंगा। और जो फाइनल टॉपिक, ये जो सेल होने वाले मतलब ऑब्वियसली फ्रॉड का चांस भी और भी ज्यादा होगा, तो फ्रॉड से बचने के लिए एक चीज करना, अगर आप Amazon से कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, देखिए Amazon से पूरे साल डिफरेंट चीजें मैं परचेज करता रहता हूँ, तो अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस देता हूँ तो Amazon से जो भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट या फिर कोई सस्ते वाला प्रोडक्ट भी अगर परचेज करेंगे तो उसे अनबॉक्स मतलब खुद अनबॉक्स करना कैमरे के सामने, जिसके कारण आपके पास उस प्रोडक्ट का प्रॉपर प्रूफ रहेगा, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो Amazon जनरली अनबॉक्सिंग प्रूफ या फिर इमेज प्रूफ मांगता है। अगर आप फ्लिपकार्ट की बारे में बात करें, देखिए फ्लिपकार्ट में आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी लगभग हर एक प्रोडक्ट में मिलेगा। अगर इस सेल के दौरान फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई भी डिलीवरी सर्विस आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं दे रहा है तो कॉन्फ्रेंट उसके अंदर कोई घोटाला है, तो इसलिए डिस्काउंट के चक्कर में वो जो प्रोडक्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत कर लेना, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट का जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव उनसे मैंने बात किया है, उन लोगों ने साफ साफ कहा है अगर किसी प्रोडक्ट में ओपन बॉक्स डिलीवरी लिखा है, अगर जो कुरियर सर्विस वो आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी ना कर रहा है तो आपको प्रोडक्ट नहीं लेना है, मतलब टोटली एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम निकलता है तो फ्लिपकार्ट उसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, ऑब्वियसली कंज्यूमर कोर्ट भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए डिस्काउंट के चक्कर में अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी होते हुए भी जो डिलीवरी करने आया अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी ना कर रहा है तो तुरंत उसे रिजेक्ट कर लेना, ये चीज ध्यान में रखना। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड से उसमें पे किया है चिंता बिल्कुल ही मत करना, आपके क्रेडिट कार्ड में वो जो पैसे वो रिटर्न हो जाएगा, डेबिट कार्ड से अगर किया है तो एक्जैक्टली सेम। अगर आपने बैंक पेमेंट किया है नो प्रॉब्लम, आपके बैंक अकाउंट में वो जो पैसे वो रिटर्न हो जाएगा और ये प्रोसेस टोटली ऑटोमेटिक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो अभी आप मुझे कम से कम बताने की जो बिग बिलियन डे सेल ये पे जो Amazon ग्रेट इंडियन डे सेल जो आने वाला है, इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या आपको वीडियो चाहिए मैं वो डेफिनेटली बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।